कक्षा 6 गणित अभ्यास दक्षता 10D का आज क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। तो 10D में आधे क्वेश्चन सॉल्व करवा चुके हैं, आधा क्वेश्चन रह गया, आज उसको हम कंप्लीट करवा देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 20, 25 और 40 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो इसका क्या करना है, लसा निकालना है। 20, 25 और कितना 40, इसका हम लसा निकालते हैं। दो दहा में 20, फिर 25 उतार लेंगे, दो दुना 4 यानी 40, दो पचे 10, 25 नहीं कटेगा, फिर दो दहा में 20, फिर दो से, दो पचे 10, फिर 5 से, 5 एकम 5, 5 पचे 25, फिर 5 एकम 5, फिर किससे 5 से, 5 एकम 5, ठीक है। तो लस इक्वल टू 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 5 गुड़े 5, 2 दुना 4 8, 8 पंजे 40, 40 पंजे 200, इसका आंसर आ जाएगा, ये इसका लस है। अगला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 75, 80 और 135 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। तो पहले तो हम 75, 80 और 135 का लसा निकालेंगे। 75, 80, 135 का, 2 से, 2 चौके 8, फिर 135 उतार लेंगे, फिर 2 से, 2 दूना 4, बाकी 135 और 75 लिख लेंगे, फिर 2 से, 2 दहा में 20, ठीक है, 75 और 135, फिर 2 से, 2 पचे 10। अब किससे देखिए, 3 से कट रहा है, 3 दूना 6, 3 पचे 15, 3 चौक 12 कट जाएगा 3 से, ठीक है, 3 एकम 3 दूना 6, 3 पचे 15, फिर 5 उतार लेंगे, 3 चौके 12, फिर 3 पचे 15, फिर 3 से 25, फिर 5, 3 एकम 3, 3 पचे 15। अब देखिए यहां पर हम कर दे रहे हैं इसको, कितना है 25, 5 और 15 है, 3 से, 3 पचे 15, अब किससे 5 से, 5 एक, 5 पचे 25, 5 एकम 5, 5 एकम 5, फिर 5 से, देखिए हो गया। इन सब का गुणा कर देते हैं, लस इक्वल टू 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 3 गुड़े 3 फिर गुड़े 3 गुड़े 5 गुड़े 5, 2 दुना 4 दुना 8 दुना 16, 16 त्या 48। तो आंसर आ जाएगा 1800 आ जाएगा। अब आगे कहा कि प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, जब भी आपसे शेष बचे करने के लिए कहा, शेष बचता है उसको आपको ऐड कर देना होगा जो भी लसा निकाले हैं, तो 1803 यही इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें यदि 3 जोड़ दे तो योगफल 36, 45 और 50 से अलग अलग पूरा विभाजित हो जाए। तो पहले तो लसा निकालते हैं 36, 45 और 50 का, चलिए 2 से, 2 एकम 2, 2 8 16, फिर 45 उतार लेंगे, 2 दुना 4, 2 पचे 10, 2 नवा 18, फिर 45 और 25, अब किससे 3 से, 3 तिहाई 9, 3 एकम 3, 3 पचे 15, फिर 25, फिर 3 से, 3 एकम 3, 3 पचे 15, फिर 25 उतार लेंगे, 5 से, 5 गया। अब इसका निकालते हैं लसा, 2 गुड़े 2 गुड़े 3 गुड़े 3 गुड़े 5 गुड़े 5, 2 दुना 4, 4 तें 12, 12 तें 36, 36 और 25 का गुणा कर देंगे, गुणा करने पर आ जाएगा
900। अब कहा है इसमें तीन जोड़ दे, तो जब भी कहा तीन जोड़ दे तो आपको क्या करना है, जोड़ना नहीं है, उसमें से घटाना है लसा में से। 900 माइनस तीन करेंगे तो आ जाएगा 897, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 7 घटाने पर शेष बची संख्या 20, 28, 35 और 105 से पूर्णतः विभक्त हो। तो चलिए पहले लसा ज्ञात करते हैं, 20, 28, 35 और 105 का। दो दहा में 20, 14 दूना 28, फिर 35 और 105 उतार लेंगे। फिर दो से, दो पचे 10, दो सते 14, फिर 35, 105। फिर किससे, देखिए तीन से कटेगा, तीन तिहाई 9 कट जाएगा, 5 फिर 7 35, तीन तिहाई 9 बचा एक, 3 पचे 15। अब किससे, 5 से, 5 एकम 5, 5 सते 35, 5 सते 35। अब 7 से इसका लसा 2 गुड़े 2 गुड़े 3 गुड़े 5 गुड़े 7, 2 न 4 ते 12, 12 पंचे 60, 60 में 7 का गुणा कर देंगे आ जाएगा कितना, 420। अब इसमें कह रहा है 7 घटाने पर ना, तो आपको क्या करना होगा, जोड़ना होगा। 420 प्लस 7 बराबर 427, यही आपका राइट आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 35, 45 और 55 भाग देने पर क्रमशः 17, 27, 37 शेष बचे। तो पहले लसा ज्ञात करते हैं, 35, 45 और 55 का। तो देखिए इसमें तीन से कोई कट रहा है, 45 कट जाएगा, 35, 15 तिया 45 होता है, फिर 55, फिर किससे, 3 पचे 15, 55 फिर 35। अब किससे, 5 से, 5 एकम 5, 5 से रही है, फिर 35 उतार लेंगे, सॉरी 5 सते 35 हो जाएगा। अब किससे, 7 से, 7 एकम 7, 1 फिर 11 उतारेंगे। अब किससे, 11 से डिवाइड करेंगे, एक बार में हो गया। तो इसका लसा निकालते हैं, 3 गुड़े 3 गुड़े 5 गुड़े 7 गुड़े 11, ठीक है, 3 तिहाई 9, 9 पचे 45, 45 गुड़े 7 गुड़े 11 तो आ जाएगा 3465, यानी 3465 आ गया। अब इसमें कहा है कि भाग देने पर क्रमशः 17, 27, 37 तीन शेष बचता है। कहने का मतलब है, अगर हम 35 में से, देखिए 35 में से 17 घटाएंगे 18 बचेगा, 45 में से कितना घटाएंगे 27 घटाएंगे तो भी कितना बचेगा, 18 ही बचेगा। अब आगे 55 में से कितना घटाएंगे 37 घटाएंगे तो भी 18 बचेगा। तो सब में कितना बच रहा है, शेष 18 बच रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से 18 घटा देंगे, 3465 में से घटाएंगे कितना, 18, 15 में से 8, 7 आया, और 5 में से 1 गए 4, और यहाँ पर 4, 3, तो 3447 इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। आज की एक्सरसाइज क्लोज हुई, तो बस आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।